नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूपटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों मेरे सामने आप अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं, तो देखिए इसका कितना अच्छा ब्लूमिंग चल रहा है। तो देखिए सारे ब्रांचेस में अभी इसका बड्स है, और देखिए ये फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं बीच बीच में भी है, बहुत सारा बड्स एंड फ्लावर्स है इसमें अभी। तो दोस्तों इस कुछ दिन पहले तक नहीं लग रहा था कि इस पौधे में फ्लावर आएगा या फूल खिलेगा। तो दोस्तों फ्लावर्स ना आने का क्या सारा रीजंस है, कितने रीजंस है, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद इस पौधे के साथ मैं एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि क्या क्या रीज़न हो सकता है फ्लावर्स नहीं आने का। तो दोस्तों इसके ऊपर पूरा जानकारी मैं आज आपसे शेयर करूंगा, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अपराजिता का प्लांट आप देख रहे हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा नीचे से इसका पॉट साइज़ अभी, मतलब इसमें 12 इंच का जो पॉट है उसमें मैंने इसको डाला, तो ये 12 इंच का पॉट में अभी ग्रो हो रहा है। तो इसके पहले 6 इंच का पॉट में ये पौधा था, तो ये पौधे को मैंने शिफ्ट किया। तो दोस्तों चलिए आप जो इसका ग्रोथ देख रहे हैं और क्या क्या मैंने इसको केयर किया, क्या क्या रीज़न था इसका फ्लावरिंग ना आने का, तो चलिए एक एक करके मैं अभी आपको मैं शेयर करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है पॉट साइज़। अगर पौधा सही पॉट में नहीं ग्रो हो रहा है, अगर पॉट साइज़ अगर ठीक नहीं है, छोटा है, तो फिर आपका पौधे में फ्लावरिंग आप नहीं आएगा, क्योंकि पॉट साइज़ छोटा होगा तो इसका रूट बाउंड होगा और इसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा, साथ साथ इसका फ्लावरिंग भी ये नहीं करेगा। दूसरा रीज़न है दोस्तों, छोटे पॉट होने के कारण इसमें मॉइस्चर ज़्यादातर मेंटेन नहीं होता था, समर के चलते दोनों टाइम मुझे पानी देना पड़ता था, लेकिन फिर भी ये कम पड़ता था क्योंकि बीच में ही सूख जाता था ये पौधा। तो इसीलिए छोटे पॉट में अगर आप ग्रो करते हैं इसको, तो फिर इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके वजह से भी आपका पौधा जो है उसका ग्रोथ भी नहीं होता और साथ साथ इसका फ्लावरिंग भी ये ठीक से नहीं करता है। तीसरा रीज़न है दोस्तों, इस प्लांट को अगर ठीक से न्यूट्रिशन आप नहीं दे रहे हैं, अगर आपको ये प्लांट्स अगर आप इस प्लांट्स को सही टाइम पे अगर न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर ये प्लांट आपका फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो दोस्तों है सही टाइम इसको, जैसे ही फेब्रुअरी मंथ ख़त्म होता है, जैसे विंटर ख़त्म होता है, तो फिर आप इसको प्रूनिंग कर दीजिए, जैसे मैंने किया। ये देखिए यहाँ से मैंने सब प्रूनिंग किया था, उसके बाद इसका जो ब्रांचेस है ये ग्रोथ हो रहा है। तो प्रूनिंग करने के बाद आप इसको, जैसे प्रूनिंग के बाद थोड़ा बहुत इसके ब्रांचेस निकल जाए, तो उस टाइम आप इसको ड्राई फर्टिलाइजर जैसे काउडंग मैन्यूर या तो वर्मी कंपोस्ट, साथ में थोड़ा नीमकली ऐड करके इसको आप दीजिए, तब जाके ये पौधा बहुत जल्दी से इसको ग्रोथ करता है, और साथ में ग्रोथ अगर अच्छा होगा तो फ्लावरिंग भी ये अच्छा करेगा। आप हर महीना में एक बार कम से कम इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, जैसे आप मस्टर्ड केक को भिगो के उसका पानी डाइल्यूट करके आप इसको दे सकते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट या तो कोई भी कंपोस्ट, साथ में नीमखली बोन मिल, ये सारे चीज़ को भिगो के आप उसका पानी भी लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, अगर पौधे में इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ज़्यादातर वाइट फ्लाइज, एफिड्स, मिलीवर्क्स, ये सारा जो इंसेक्ट्स है इसमें अटैक करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इसको टाइम टू टाइम अगर पेस्टिसाइड्स की स्प्रे नहीं करेंगे, तो आपका पौधा जो आपका पौधा फ्लावरिंग से दूर रहेगा, मतलब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, पौधा का अच्छा ग्रोथ भी नहीं होगा, बड्स भी नहीं बनेगा, और साथ साथ आपका पौधा फ्लावरिंग भी अच्छा नहीं करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रीज़न है वो है सनलाइट। तो सनलाइट अगर आप ठीक से नहीं मिलता है आपका पौधे में, तो फिर ये पौधा अच्छा फ्लावरिंग नहीं करता है। तो दोस्तों ये मेरा जो प्लांट देख रहा है ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, जब मैंने इसको चेंज किया, पॉट साइज इसको बड़ा दे दिया, 12 इंच का पॉट में डाला और साथ में थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाला, जैसे शिफ्टिंग के टाइम थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम खोल और थोड़ा सा फंगिसाइड्स मिला के इसको शिफ्ट किया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इसको जो मैंने 8-10 दाना DAP का मैंने इसको दिया था, उसके बाद दोस्तों ये पौधे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा हो रहा है, और साथ साथ इसका फ्लावरिंग भी अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे अपराजिता प्लांट
इतना ज़्यादा मेंटेनेंस की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट, फर्टिलाइजर, वाटर एंड पॉट साइज, ये और पेस्टिसाइड्स, ये पांचों का ध्यान अगर आप रखेंगे फिर आपका पौधा अच्छा फ्लॉरिंग करेगा, नहीं तो फिर आपका पौधे में अच्छा फ्लॉरिंग नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।